गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान 100 का वक्त है, हमेशा की तरह आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें। लखनऊ से हाथरस वापस लौटा पीड़िता का परिवार, का इंसाफ मिले तक विसर्जित नहीं करेंगे अस्थियां। हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, रात में पीड़ित का अंतिम संस्कार कराने पर जताई नाराजगी। हाथरस केस में 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पीड़ित पक्ष के 5 लोगों ने दिया बयान। पीड़ित परिवार ने केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की 3 मांग रखी है, सीबीआई की रिपोर्ट गोपनीय रखने और केस खत्म होने तक परिवार को पूरी सुरक्षा की मांग। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को करेगा सुनवाई, उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं आया अतिरिक्त हलफनामा। हाथरस केस में आज सीबीआई की टीम घटनास्थल का मुआयना कर सकती है, इसके पहले भी हाथरस जा चुकी है सीबीआई की टीम। हाथरस में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत, आरएलडी के अलावा समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। हाथरस कांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च, यूथ कांग्रेस ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग की। राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड की सीबीसीआईडी ने शुरू की जांच, टीम ने मौका वारदात का किया मुआयना। सीकर के सपोटरा में पुजारी की हत्या का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के शहर शहर प्रदर्शन। मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान मामले में हुई सुनवाई, 2 घंटे तक सुनी गई वादी पक्ष की दलील, 16 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई कल, केस को लखनऊ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील। राधेमां के बिग बॉस में जाने पर सोशल मीडिया पर बवाल, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा राधेमां का किसी अखाड़े से कोई संबंध नहीं। फारूख अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 वाले बयान को बीजेपी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, का फारूख और राहुल एक ही सिक्के के दो पहलू। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूख अब्दुल्ला ने कहा था चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से लागू कराएंगे अनुच्छेद 370। श्रीनगर के रामबाग में लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकी मारे गए, जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 180 आतंकियों का खात्मा। एफएटीएफ की बैठक से पहले पाकिस्तान को करारा झटका, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट में रखा बरकरार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, एक संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी आज बाबा साहब विखे पाटिल की बायोग्राफी करेंगे लॉन्च, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, मिलेगा 10,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस। कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुई तमिलनाडु की नेता खुशबू। विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का, बोले कोरोना संकट न होता तो फिर भव्य कार्यक्रम होता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया 44 नवनिर्मित पुलों का उद्घाटन। पाकिस्तान के बाद चीन पर बॉर्डर पर भी रच रहा है साजिश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है। किसानों से जुड़े नए कानूनों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पंजाब के बठिंडा में पराली जला रहे हैं किसान, राज्य सरकार ने पराली जलाने से बचने के लिए उचित मशीनें और मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों और गलियों में भरा पानी। बेलगावी में एक शख्स पानी के बीच फंस गया, एक बल्ली के सहारे अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता रहा। मुंबई के मुलुंड के अपेक्स कोविड-19 अस्पताल में लगी आग, 40 मरीजों का अस्पताल में चल रहा था इलाज, एक की मौत एक गंभीर। मुंबई में बिजली गुल होने के मामले में सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, बॉलीवुड पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रदूषण के खिलाफ बड़े कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। पूसा के वैज्ञानिकों ने एक बायो डीकम्पोजर कैप्सूल विकसित किया है, इसे पराली पर छिड़कने से वो खाद में बदल जाती है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेगा मंदिर। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को पत्र लिखा, मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को सैलरी देने की मांग की। कंटेनमेंट जोन की वजह से नीट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए छात्रों को, एक और मौका मिलेगा 14 अक्टूबर को नीट की परीक्षा। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पूर्व मेयर के बीच नोकझोंक, चंदोलिया पर लगा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। मुंबई में जल्दी दौड़ेगी 1,000 से ज्यादा लोकल ट्रेन, लगातार बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग तेज, साधु संत समाज ने शुरू किया अनशन की तैयारी। मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज पर हादसा, ओवरटेक करते समय टेम्पो से टकराई कार। दिल्ली सहारनपुर रोड पर ई रिक्शा पर पलटा ईंटों से भरा हुआ ट्रक, हादसे में एक की मौत। हैदराबाद में हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार बेकाबू होकर के फुटपाथ पर चढ़ी। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आज हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी कैंपेन का किया आगाज, 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ किया वर्चुअल संवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वादा, कहा राज्य में बहुत जल्द माध्यमिक विद्यालय में एक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। पटना में आरजेडी ने अपना कैंपेन वीडियो को लॉन्च किया, कैंपेन वीडियो में आरजेडी का नारा इस बार तेजस्वी तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग को बताया कंफ्यूज नेता, कहा किसके साथ खड़े हैं साफ नहीं है तस्वीर। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस का तंज, पार्टी नेता आनंद माधव ने कहा उपेंद्र कुशवाहा की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, चिराग पासवान किसके साथ हैं ये 10 नवंबर को पता चलेगा। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान, एनडीए इस बार 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मंत्री नंदकिशोर यादव का बयान, कहा इस बार एनडीए का नहीं है कोई तोड़। पंजाब आम आदमी पार्टी का भगवंत मान की अगुवाई में कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस ने कई आप नेताओं को हिरासत में लिया। कृषि कानून पर किसान जत्थेबंदी की केंद्र से बातचीत सस्पेंस, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 14 अक्टूबर को बातचीत में नहीं होगी शामिल। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1849 नए मामले, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 71,20,000 के पार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,732 नए मामले आए सामने। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,74,00,000 से ज्यादा पहुंच गई है। पूरी दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक। बुलंदशहर में चलती कार से आग लगने से अफरा तफरी, कार सवार लोगों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। योगी सरकार ने जारी की 31,661 चयनित शिक्षकों की लिस्ट। लखनऊ में बीटीसी छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। फिरोजाबाद में बीज घोटाले का मामला सामने आया, मुख्य गोदाम से गायब हुआ कई क्विंटल सरसों का बीज। लखनऊ सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवती से गैंगरेप, 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। ललितपुर में छात्र छात्राओं से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर ली जा रही है रिश्वत। हापुड़ में प्रॉपर्टी विवाद में भिड़े 2 पक्ष, एक दूसरे पर गमलों से किया हमला। काशी में पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी, काशी में अब सीएनजी बोट चलेंगी। मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक और घोटाला, सीहोर में स्प्रिंकलर बांटने के नाम पर 1,09,00,000 की ठगी। शिवपुरी में जनता के सामने दंडवत हुए कैराना से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव, रो रो कर अपनी गलतियों के लिए मांगी माफी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी को दी धमकी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले पार्टी नहीं करती बयान का समर्थन। छत्तीसगढ़ में मरवाई उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी किया घोषित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर का सीएम शिवराज पर निशाना, कहा शिवराज सिंह के पास 5 एकड़ जमीन थी। सीएम शिवराज सिंह का दिनेश गुर्जर के बयान पर पलटवार, कहा मैं गरीब परिवार से हूं इसलिए उनका दुख समझता हूं। रांची की सड़कों पर आज से फिर सिटी बस सेवा शुरू, 2 गुना हुआ किराया, 5 की जगह लिए जा रहे 10 रुपए। हजारीबाग में अनियंत्रित होकर की पलटी कार, हादसे में मां बेटे की मौत। बोकारो में एकतरफा प्रेम में युवक ने की खुदकुशी, फांसी लगा करके जान दी। कैबिनेट की बैठक में सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को बायपास करेगी सरकार। राजस्थान में नगर निगम चुनावों को लेकर के बीजेपी ने कसी कमर, बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। राजस्थान में निजी स्कूलों की फीस में मनमानी का मामला, हाईकोर्ट ने फीस वसूली पर लगी अंतरिम रोक बढ़ाई। राजस्थान के चूरू में गर्भवती महिला के इलाज में बड़ी लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगने से मौत। दौसा में ट्रैक्टर ट्रॉली से युवक की मौत मामले ने पकड़ा तूल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्क फ्रॉम होम पर जारी की नई हाइब्रिड पॉलिसी। सोनू के लिए फैंस ने भारत रत्न की मांग की है, फैंस ने मोदी से अपील की है कायदे देश के सच्चे हीरो को अवार्ड दिया जाए। वेब सीरीज शांताराम में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, इस सीरीज में राधिका आप्टे और चार्ली भी नजर आने वाले हैं। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष में सिंघम की एंट्री, अजय देवगन इस फिल्म में भगवान शिव का रोल निभा सकते हैं। रूस में सबसे पहले 30 मेडिकल कर्मचारियों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। रूस में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज, बीते 24 घंटे में 13,592 नए केस किए गए दर्ज। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। खुद सड़कें आपको सचमुच डरा देती हैं और उन पर ड्राइविंग करने की आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी सड़कों पर ड्राइविंग करने वालों को सलाम। आपकी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, ट्रॉली के एक चक्कर से स्टोर में रखा हुआ पूरा सामान नीचे आ गया। इस कार को किसी ने गंदा नहीं किया है, बल्कि ये है हेलोवीन थीम पर प्रेरित कार। बिल्ली चिड़िया के इस बच्चे के साथ आराम से खेल रही है, बड़े होने पर इसी का ये शिकार करती है। ये डॉगी गार्डन में लगे शावर में कूद कूद करके नहा रहा है, देखिए।
गेंद निकालने का अनोखा तरीका, तीन लड़कों ने नदी से गेंद निकालने में लगा दी पूरी जान। कोरोना काल में ये जानलेवा भीड़, स्टोर खुला नहीं, क्यों उमड़ पड़ी जनता। एक खतरनाक ब्रिज पर दर्जनों गाय, इन गायों को रोकने के लिए कोई रेलिंग नहीं है। कोरोना की वजह से लंबे समय के बाद खुले लंदन के पब, बेखौफ लोग खुलेआम कर रहे हैं पार्टी। फोन की बैटरी चेक करना टेक्नीशियन को बड़ा भारी, अचानक हुआ बैटरी में ब्लास्ट। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। पांच भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा, जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।